सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है महेश और आज हमारे लिए और इंडियन रेलवे के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज एक साथ 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन लॉन्च की जा रही है। इससे पहले 27 जून को एक साथ 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन लॉन्च की गई थी और आज यानी 24 सितंबर को एक साथ 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन लॉन्च की जा रही है। और अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि आज हमारी जर्नी किस वंदे भारत एक्सप्रेस में होने वाली है। तो अभी हमें उदयपुर रेलवे स्टेशन के बाहर, तो चलते हैं दिखाते हैं आपको किस तरह से उदयपुर रेलवे स्टेशन पर डेकोरेशन की गई है। चलते हैं प्लेटफॉर्म पर और आपको दिखाते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस का नया रेक। सो गाइस, यहाँ पे स्वागत के लिए यहाँ पे इस तरह से वंदे भारत के लिए लगाया गया है, ऊपर लिखा हुआ है, देख सकते हो आप, उदयपुर जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस के 24 सितंबर। तो चलते हैं, मैं एंट्री लेते हैं अंदर। सो गाइस, यहाँ पे अपन एंट्री लेते ही आप देख सकते हो इस जगह तो अभी कुछ भी लगाया नहीं गया डेकोरेशन के लिए। अंदर चलते हैं अपन। और सो गाइस, यहाँ पे हम आ चुके हैं मेन गेट के बाहर और इस साइड देख सकते हो यहाँ पे सेल्फी के लिए लगाया गया है और नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, 9 वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ 24 सितंबर 2023, ये सेल्फी के लिए लगाया गया है। अब चलते हैं अंदर, एंट्री लेते हैं। और ये कुछ उदयपुर रेलवे स्टेशन का अंदर का व्यू है। तो गाइस, सामने अपनी लगी हुई है नई नवेली वंदे भारत एक्सप्रेस का रेक और सामने एग्जीक्यूटिव क्लास का कुछ लगा हुआ है। ये साइड अपना ये स्लीपर कोच है, आज अब जितना आज अपनी जर्नी होने वाली है। तो गाइस, अभी हम आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और आप देख सकते हो डेकोरेशन कितना बढ़िया किया गया है और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर स्टेज लगा हुआ है और बगल में आप देख सकते हो इस साइड हमारी नई नवेली उदयपुर जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस का रेक लगा हुआ है। तो आपको एक बार आगे से और दिखाते हैं किस तरह से स्टेज लगाई गई है आज वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए। यहाँ पे देख सकते हो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगी हुई है हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस, उदयपुर जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस। और यहाँ पे सामने स्टेज लगाई गई है, आपको दिखाता हूँ मैं, क्योंकि क्राउड काफ़ी ज़्यादा है। सामने आप देख सकते हो स्टेज लगाई गई है यहाँ पर और ये यहाँ पर चेयर्स लगाई गई है। गाइस, आप देख सकते हो कितना स्वागत की कितनी बढ़िया तैयारी यहाँ पे की गई है उदयपुर रेलवे स्टेशन पर। तो एक बार आपको पीछे से और दिखा देते हैं इसका लुक वंदे भारत एक्सप्रेस का। सो गाइस, अभी हम आ चुके हैं उदयपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और आप पीछे देख सकते हो रेक लगा हुआ है उदयपुर जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस का। और गाइस, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि जो 9 वंदे भारत एक्सप्रेस अब लॉन्च की जा रही है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर इन 9 वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। वैसे बता दूं कि यहाँ से रवाना होने की टाइमिंग है 12:30 की टाइमिंग है। सभी वंदे भारत एक्सप्रेस की टाइमिंग 12:30 पर रवाना होने की टाइमिंग है। आपको मैंने आगे से भी दिखाया किस तरह से डेकोरेशन की गई है वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए, पर आगे काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है, इस कारण से मैं पीछे की साइड आ गया C7 कोच की साइड। तो इस कारण से मैं यहाँ पे आ गया, शोर शराबा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है C1 कोच की साइड। तो आपको मैंने दिखा दिया है कि किस तरह से यहाँ पे डेकोरेशन की गई है, किस तरह का माहौल है और आपको शाम को वंदे भारत एक्सप्रेस की इनॉग्रल जर्नी मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्द आपको मिल जाए। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग यूजफुल जर्नी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।